है, इससे पहले दिव्या, राइट? दिव्या इज देयर, दिव्या, दिव्या इज देयर, दिव्या पंसारी, आर यू देयर? दिव्या पंसारी, आवाज आ रही है मेरे को दिव्या? एम आई ऑडिबल? अनवेश, यस सर, यस आपको आ रही है मेरी आवाज? सर, दिव्या को नहीं आ रही है आवाज? एक सेकंड रुकेगा, चलिए आप कंटिन्यू करिए इन्वेंटरी से। देखो लाइक फर्स्टली वी विल चेक द एग्जिस्टेंस एंड द मैं वैल्यूएशन। आवाज नहीं आ रहा हूं, तब ग्रुप हटवाएगा फिर बाद में आके। आई विल नॉट अलाउ देम टू एंटर इनटू एनी ग्रुप्स। व्हेन आई एम रिस्पॉन्डिंग आई नीड फीडबैक, ओके? बिकॉज बाद में अगर रिजेक्ट हो गया, आई विल नॉट टॉलरेट दैट। आई गॉट रिजेक्टेड बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। आई नीड इट वेरी 100% अटेंशन फॉर एवरीबॉडी, प्लीज। ठीक है, बोलिए, व्हाट आर द प्रोसीजर विल चेक इन इन्वेंट्री? So firstly, we'll check the existence of the inventory by गुड, checking the invoices related to the related to the stock, and later on valuation on what basis they are valuing the inventory, इन्वेंटरी क्या क्या आएगा, like एग्जिस्टेंस क्या क्या आएगा, सेकंड सेकंड क्या आएगा, एग्जिस्टेंस क्या आएगा? राइट्स सीक्वेंस एंड को ब्रेक मत ऑब्लिगेशंस। करिए, सीक्वेंस को ब्रेक में, एग्जिस्टेंस क्या क्या आएगा? लाइक राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। शॉर्ट फॉर्म नहीं पता अजर्सन का? शॉर्ट फॉर्म क्या है अजर्सन का? शॉर्ट फॉर्म क्या है लाइक अजर्सन का? अजर्सन का हाउ शॉर्ट फॉर्म रिटर्न क्या था? ERCVPD, दैट्स ERCVPD, ERCVPD। यस ERCVPD। तो सीक्वेंस को ब्रेक मत करिए प्लीज, सीक्वेंस को ब्रेक मत करिए, ठीक है? नहीं तो आप लोग पॉइंट, फिर आप लोग प्रॉब्लम क्या था, आप सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करते, रट के बोलना है पर उसको लगना नहीं कि आप रट के बोल रहे हैं, इसलिए आपको सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है, तो पॉइंट्स भूल जाएंगे। मैंने ना बहुत डिबेट कॉम्पिटिशन की है अपना स्कूल्स में, और हम जब हम बता रहे ना, क्लास 12 का बच्चों को हटा देते थे डिबेट में, क्लास 8 के थे, क्लास 12 को बहुत किए। सीक्वेंस को ब्रेक मत करिए, हम डिबेट से पहले 6-6 घंटा पढ़ता था, 6-6 घंटा प्रिपेयर करता था फ्रॉम द मेन राउंड, 6-6 घंटा प्रिपेयर, तो इसलिए बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस तभी आएगा आपका। बिना प्रैक्टिस, प्रिपेयर नहीं, प्रैक्टिस बोल रहे हैं, आईना के सामने इतना प्रिपेयर करते थे, इतना स्ट्रांग हो गया था प्रिपरेशन, इसलिए बहुत जरूरी है। प्रिपरेशन से कुछ नहीं होता है, ठीक है? रट लेते थे, एक एक चीज रट लेते थे, जो चीज लिखा एकदम एग्जैक्टली है। ERCVPD, तो ई से एग्जिस्टेंस कैसे चेक करेंगे एग्जिस्टेंस? एग्जिस्टेंट बाई फिजिकली वेरीफाइंग द इन्वेंट्री सर, वेरी गुड। नंबर टू, राइट्स, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, वेदर वी हैव राइट ऑन द स्टॉक दैट इज वेरीफाइड बाई चेकिंग द इनवॉइसेस रिलेटेड टू द स्टॉक, राइट राइट कंप्लीटनेस, एंड द कंप्लीटनेस इज विल चेक बाई सैम्पलिंग बेसिस दैट वेदर एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड और नॉट। सैम्पलिंग बेसिस में देखेंगे आप, सैम्पलिंग देखेंगे। कंप्लीटनेस बहुत लाइक इजी है, कंप्लीटनेस कौन बताएगा? कंप्लीटनेस इज द इजिएस्ट पॉइंट दैट यू नीड टू लर्न आउट हियर, इजिएस्ट पॉइंट। कंप्लीटनेस इजी कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या होता है इन्वेंटरी कंप्लीटनेस? रजिस्टर, फर्स्ट इन्वेंटरी ऑफ ऑल रजिस्टर, फिजिकल मैचिंग वेरिफिकेशन इन्वेंटरी करना। रजिस्टर, दिव्या लेजर्स ट्रायल बैलेंस शुड मैच दिव्या विद द फाइनेंस। दिव्या 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 यस सर, पंसारी, यस सर। बोलिए कैसे कंप्लीटनेस चेक करेगा इन्वेंटरी का? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेंट्री वीडियो ऑन और करिए आपका, चेक दैट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड और नॉट, सो इसको पूछा जाता तो वो बोलिए, दिव्या बोलिए। वेदर ऑल द इन्वेंट्रीज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट। तो हमको ही पता है, कैसे चेक करेंगे कंप्लीटनेस? इन्वेंटरी में क्या क्या प्रोसीजर्स लगाता है चेक करने के लिए? ये क्या होते रहते होगा, बोलिए। कट कट ऑफ प्रोसीजर लगाएंगे, रोल बैक रोल फॉरवर्ड। अभी देखिए आपका इंटरनेट ऐसा हालत होके रखा है, जियो आने के बाद आप लोग का ऐसा इंटरनेट है, ये सब के कारण हम लोग रिजेक्ट हो जाता है।
सीधा आपको रिजेक्ट कर देगा, आपका इंटरनेट ऐसे चलेगा। मेरा इंटरनेट तो सही चल रहा है, आपका इंटरनेट कैसे खराब हो सकता है? इट इज सो इरिटेटिंग फॉर द पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, जो जो इंटरव्यू लेगा, और आपका इंटरनेट सही नहीं है, वीडियो ऑडियो क्वालिटी सही नहीं है, यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस पैरामीटर्स। दे विल जस्ट से कि आपका इंटरव्यू, आपको हम लोग रीशेड्यूल कर रहे हैं आपका इंटरव्यू, बिकॉज द इंटरव्यू इंटरनेट इज नॉट वर्किंग वेल। आपको पता है मार्केट में वैकेंसी कितना कम है, आप इंटरनेट के ऊपर में क्यों कंट्रोल नहीं है आप लोग का? आप लोग क्यों नहीं अपने आप को एक बार इंटरनेट में प्रैक्टिस करते हैं? मेरा तो इंटरनेट सही चल रहा है। श्रेया भूटानी, आपका इंटरनेट सही चल रहा है ना? आप लोग यस कभी सर, डिबेट कंपटीशन में भाग नहीं दिए, माइक को चेक नहीं करते हैं? जब जाते थे कोई स्टेज में बैठे हो तो माइक को चेक करते ना, माइक ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू डू बिफोर हैंड ओनली ना। खाली 15 सवाल पढ़ने से थोड़ी ना क्लियर होगा इंटरव्यू। ये सब चीज का पैसा है, आपका अपीरियंस, 3 चीज जरूरी होता है। क्या चीज? 3 चीज बोले थे हम, इतना दिन से बता रहे हैं, 3 चीज क्या जरूरी है आपका? सीपीटी बताए थे क्या? 3 चीज में आता है वो सीपीटी, क्या क्या चीज जरूरी है? माइंडसेट, टेक्निकल नॉलेज और एक्साइटमेंट एंड पंचुअलिटी, चार चीजें। सीपीटी, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी, टेक्निकल नॉलेज। कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का पार्ट है आपका वीडियो ऑडियो क्वालिटी, आप किस तरीके से इंटरनेट ऑन कर रहा है, ये सब चीज आपका पार्ट है। आप किस तरीके से स्माइल दे रहे हैं सामने वाले को, एवरीथिंग इज कवर्ड इन योर पर्सनैलिटी, ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग। एंड कम्युनिकेशन स्किल, आपको ऐसे कम्युनिकेट कर। टेक्निकल नॉलेज तो बाद में आएगा आपका, टेक्निकल नॉलेज तो सबके पास ही, वो लोग देखेगा कि आप लोग सिखा देगा, प्रेशर है अभी, मोटा मोटी आता है चलो ले लेंगे। तो प्लीज इंटरनेट को आप लोग, इंटरनेट इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी स्किल, डोंट फॉरगेट दिस। वो बोलेगा कि आपके पहले आप पंक्चुअल नहीं था, योर इंटरनेट इज नॉट वर्किंग वेल, यू शुड हैव केयर अबाउट योर इंटरनेट। भोजन को निकाल देता है इंटरनेट के कारण। आई नीड दिस थिंग्स, ओके? अनवेस दिव्या, हमको चाहिएगा आपका एंड से ये चीज क्लियर, ठीक है? दिस इज अ क्राइम एक्चुअली टू हैव अ बैड इंटरनेट राइट नाउ, इतना दिन बोलने के बाद भी, ठीक है? अनवेस, हाँ जी यस सर, अनवेस, ठीक है। यस सर। और क्या क्या सो फॉर चीज द काम, इन्वेंटरी में चेक करेंगे, फटाफट बताइए तो। सो एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, कंप्लीटनेस एंड द हाँ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर पार्ट सर। गुड। फॉर द प्रेजेंटेशन पार्ट वी नीड व्हाट इज टू रोल बैक एंड रोल डिफ फॉरवर्ड? व्हाट इज रोल बैक एंड रोल फॉरवर्ड ऑफ इन्वेंटरी? सर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। कौन बताएगा रोल बैक एंड रोल फॉरवर्ड? देवांशु सर मलिक, मैंने बोलिए सर, रोल बैक। हाँ बाय टेकिंग एन एग्जांपल, सपोज रोल बैक मींस दैट सपोज वी आर डूइंग द इन्वेंटरी काउंटिंग ऑन 10th ऑफ अप्रैल, व्हिच इज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, बाय वी विल एडिंग सब्ट्रैक्टिंग ऑल द परचेजिंग एंड सर्विसेज, सब परचेजिंग एंड सेल ऑफ द आइटम्स, we will go back to the 31st, then it we would be having the final date, and roll forward will be totally opposite of that. Suppose we are conducting an physical inventory counting on 20th of March, and by taking the assumptions of any kind of purchases and sales, we will add back and per add back or subtract all the purchase sales to 31st March 2023. राइट राइट। सो रोल बैक क्या होता है अनवेस? रोल बैक इज सपोज यू आर इन 10th अप्रैल, ओके? तो आप बैकवर्ड कैलकुलेशन करके रोल बैक करके 31st मार्च का स्टॉक मांगे। इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू विल डू ऑडिट ऑन 31st मार्च ओनली ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो यू माइट गो अर्ली और आफ्टर 31st मार्च, ओके? तो इफ इट इज 10th अप्रैल, तो आप क्या करेगा, देर इज अ फॉर्मूला ना कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल इज द क्लोजिंग स्टॉक, राइट? ओपनिंग यस स्टॉक सर, प्लस परचेज लेस सेल क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक 10th अप्रैल का है, सेल को ऐड करेंगे, परचेज को लेस करेंगे, तो आप 31st मार्च का क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इट इज 25th मार्च, तो आप रोल फॉरवर्ड करके प्लस परचेज लेस सेल क्लोजिंग स्टॉक में आ गए, दैट इज कॉल्ड रोल बैक एंड रोल फॉरवर्ड। देखिए वीडियो वीडियो देख के कुछ फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए बोला ना वीडियो से कुछ होता नहीं है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है इधर। क्योंकि वीडियो जब आप देखता है ना, व्हेन यू सी द वीडियो, तभी आपका कुछ ना कुछ हो जाता है। तो मम्मी बोल दिया बेटा यहाँ से ये लिया, बेटा ये लिया, जाके ये लिया, ग्रोसरी शॉप लिया, ये लिया, कितना पड़ेगा? अब तो सीए बन गया, अब क्या करेगा पढ़ के? तो अभी भी पढ़ रहा है, पहले भी पढ़ता था, अभी भी पढ़ रहा है। तो आपका अटेंशन रहता नहीं है वो वीडियो में, आपको लग रहा है पढ़ाई कर रहा है, पर आपका अटेंशन स्पैन नहीं रहता है व्हेन यू डू इट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड प्रैक्टिस, ओके? तो अब हो गया रोल बैक रोल फॉरवर्ड, यू विल एबल टू टेल ना, ओके, व्हाट आर द थिंग्स यू विल डू इन द ट्रेड पेबल ऑडिट?
ये डिलॉयट यूएसआई में है आपका, ये सभी पूछेगा, झमेला खत्म करेगा डिलॉयट यूएसआई। ट्रेड पेबल में क्या ऑडिट प्रोसीजर होता है फटाफट? ट्रेड पेबल्स वी चेक द एग्जिस्टेंस लाइक परचेज इनवॉइसेस कंफर्मेशन लेगा ना एंड ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल में, यू विल टेक द एक्सटर्नल कंफर्मेशन। यस सर एक्सिस्टेंस मतलब कंफर्मेशन लिखते मीन्स जाइए, पॉइंट्स लिखते जाइए, कंफर्मेशन आप लेगा तो थोड़ा स्माइल कर लिया करिए, जिंदगी में स्माइल नहीं किए कभी, स्माइल करिए थोड़ा सा, स्माइल नहीं आता आपका। कंफर्मेशन ठीक है, ट्रेड पेबल कंफर्मेशन, यू टेक द कंफर्मेशन, देन व्हाट यू विल डू नेक्स्ट? कंप्लीटनेस, हाउ विल यू चेक कंप्लीटनेस? कंप्लीटनेस क्या चेक करेगा, कंप्लीटनेस क्या चेक करेगा? हाउ विल यू चेक कंप्लीटनेस, कैसे करेगा कंप्लीटनेस? सबका तो एक ही आंसर होता है, कंप्लीटनेस कैसे चेक करेगा आप अनवेस? कंप्लीटनेस कैसे चेक करेगा? लाइक द कट ऑफ प्रोसीजर सर, लाइक वी टेक द मार्च अप्रैल एंड मई पेमेंट्स, we'll take the April and May payments and we'll check whether the invoices related to March are booked in April or not, and any invoices related to April are booked in March like that correctly they are booking or not, we'll check that sir. सब गलत बोल रहे हैं। कंप्लीटनेस कौन बताएगा? कंप्लीटनेस We'll check the aging पेबल schedule of लेटर, the creditors and कंप्लीटनेस कैसे see चेक if करता है all the कोई भी चीज balances का? are कंप्लीटनेस का क्या फॉर्मूला बताया था चेक करने का? सबका एक ही प्रोसीजर होता है कंप्लीटनेस चेक करने का, क्या जनरल होता है? ऑल द बैलेंसेस पेबल शुड मैच, लेजर ऑल ऑल द बैलेंसेस बैलेंस शुड शुड होता मैच है ना, विद द बिकॉज लेजर्स आप एंड लोगों ने आपस में ही पढ़ लेता फाइनेंशियल। है। आप लोगों को क्या लगता है, आप वो जो वीडियो देख लिया, रिसोर्स देख लिया, वो खुद ही समझ में आ जाएगा? आप लोग गलत समझ लेते और आप लोग तब समझ गया चीज, आप लोग से समझ जाते तो भाई क्या फायदा हुआ? हमको पता ना, नहीं समझ में आता आधा से ज्यादा, गलत आंसर बोलेंगे वो अपने में रिजेक्ट हो जाएंगे। कंप्लीटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंप्लीटनेस देख लीजिए, कंप्लीटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान जाने क्या ही पढ़ते हैं भगवान जाने, कंप्लीटनेस एवरीथिंग इज सेम। ओके, बैलेंस शीट आइटम एंड दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस हाँ आइटम, ठीक है? वेदर इज बैलेंस शीट आइटम और कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस आइटम, इसमें क्या क्या होता है आपका? फिक्स्ड एसेट होता है, और क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल हो सकता है, करेक्ट? ट्रेड रिसीवेबल होगा, और क्या होगा? ट्रेड पेबल होगा, क्या होगा इसमें? ट्रेड पेबल, करेक्ट? और क्या होगा बताते जाइए ना जल्दी, क्या होता है? इन्वेंटरी होता है, इन्वेंटरी और कैश एंड बैंक बैलेंस होता है ना? कैश एंड बैंक बैलेंस होता है। इन्वेंटरी यहाँ पर क्या क्या चीज होगा? यहाँ पर रेवेन्यू होगा, वो पूछ लेगा नहीं, बता ही नहीं पाएंगे। रेवेन्यू परचेज हो गया, परचेज हो गया, और इम्प्लॉय बेनिफिट हो गया, राइट? इम्प्लॉय बेनिफिट हो गया, ये सभी तो है बेसिकली। आपका कंप्लीटनेस का प्रोसीजर एक ही है, आपको बेसिकली रजिस्टर पकड़ना है। प्रोसीजर क्या है इसका? कंप्लीटनेस का प्रोसीजर इज स्टैंडर्डाइज्ड। ओके, यू विल टेक द रजिस्टर, रजिस्टर किसका? ऑफ द लाइन आइटम यू आर चेकिंग, ऑफ द लाइन आइटम यू आर चेकिंग, मान के चलिए यू आर वेरिफिकेशन चेकिंग, बस दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू डू। एग्जाम्पल व्हाट? फिक्स्ड एसेट एफ ए रजिस्टर, इन्वेंट्री रजिस्टर, ट्रेड रिसीवेबल रजिस्टर, वट एवर रजिस्टर यू हैव विथ यू, यू विल टेक द रजिस्टर मांगेगी आप क्लाइंट से, और डंप बोल सकता है, और डंप डंप मांगिए क्लाइंट से। उसके नंबर टू क्या करेंगे, क्या करेंगे नंबर टू? जर्नल एंट्री, जर्नल रजिस्टर, जर्नल का कोई रजिस्टर होगा, वो लोग का लेजर होगा है ना, पर्टिकुलर लेजर, ट्रायल बैलेंस, राइट? और फिनेंशियल स्टेटमेंट, और फिनेंशियल स्टेटमेंट आपको बेसिकली ये सबको टैली करना है। यू नीड टू टैली बोथ, यू नीड टू टैली बोथ, दैट इज इट। व्हाई वी डू कंप्लीटनेस चेकिंग? द क्वेश्चन इज व्हाई वी डू कंप्लीटनेस चेकिंग, व्हाई डू वी चेक कंप्लीटनेस? whether each and every items which has been shown in the financial statements are really been existed on that day. कंप्लीटनेस, कंप्लीट कंप्लीट, वेदर We check whether the whether all the data is bank correctly balances have or not, been recorded. whether the Amount data is is complete and correct or not, shown correct or not, in case. yes, correct or not? अगर yes. डेटा ही गलत होगा तो हाउ विल यू ऑडिट? लॉजिक ना, लॉजिक लर्न, लॉजिक। इफ द डेटा इज इनकरेक्ट हाउ विल यू ऑडिट? हाउ विल यू ऑडिट? डेटा ही गलत है, ऑडिट कैसे स्टार्ट करेंगे? हाउ विल यू ऑडिट?
the data is incorrect, how will you audit? So completeness is you need to check the data, fixed asset registered, inventory registered, trade civil registered, trade payable registered, bank registered, whatever registered, whether it is matching with the journal, ledger, trial balance, and the FS. If that is only not matching, you are checking the financial statement, balance sheet, PL, cash flow. If it is not matching with the register, then your transaction is not complete. The data is incorrect. So this is the answer of completeness. Easy point hai ekdam bolne ke liye. You will check completeness. Anywhere you can note down. Existence mein physical verification hota hai. Trade receivable, trade payable ka confirmation hota hai. Completeness is this way. You will check the register and you will just check all the points. Video dekh ke dimag kharab kar lega. Points nahi bolega. Aapne kya fayda hua? Video kitna hi dekh lijiye. Guru granth ban jaye. Par aapko answer hi nahi pata bhai. To kya fayda hua power mein jaake? You got my point, always. Bataiye. आप समझ में आया कि नहीं आया? Anybody who's not understood, please tell me now. So नहीं, क्योंकि हम जब पूछेंगे, you're not able to tell, then it is not good. ठीक है, unwise. बताइए, what are the things that you will check in fixed assets? How will you check completeness of fixed assets? बोलिए. Like, we'll check the fixed assets register. We'll take the fixed assets register, and we'll match it with the journal entries, ledger account, trial balance, and the at last the balance sheet item. So we'll cross verify दिखाई दे रहा है. हिंदी समझ में आ रहा है ना आपको? वट एवर नंबर इज देयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट नंबर इज राइट और नॉट विद द डेटा दैट इज गिवन टू यू बाय द क्लाइंट, दिस इज कॉल्ड कंप्लीटनेस. यही है कंप्लीटनेस. तो व्हाट एवर रजिस्टर, जनरल लेजर, व्हाट एवर लेजर यू आर गिवन, यू विल मैच विद द लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड एवरीथिंग, एंड दैट इज इट. कंप्लीट इज ओवर. समझ गए ना दिव्या? यस सर. क्या होता है कंप्लीटनेस? यस सर. सो वी चेक द रजिस्टर ऑफ एनी आइटम दैट any line item that we are checking, and then we have to cross verify it from the journal entries, the ledger, trial balance, the financial statements. Why we do this? So just to verify that the data is correct or complete or not. How will you do the audit of inventory? What are the procedures you will apply while doing audit of inventory? So for inventory, first of all, we will do the physical verification for so this is a balance sheet item, ERCV. So sir, first we will check the existence. To check the existence, we will do the physical verification of the inventory. Sir, for rights and obligations, we will see that particular inventory is belongs to us or not. So for completeness, we'll check the register of the inventory, and we will verify it with the trial balance, ledger, financial statements. We will cross verify to see that what is three-way match. So three-way match is we match the purchase order, the goods received note, and the invoice, and we see that what is quantity... P2P, what is the P2P risk? So P2P risk is like in P2P what we do is we take a quotation from at least three vendors. So the risk can be that the quotation is not being taken from three vendors, only one vendor is being selected, and we have taken quotation from only one vendor. That can be one of the risk. And in a case of purchase order, when we place purchase order, there is authorization that is required. So there might be risk that the PO is not authorized by the person who is supposed to authorize the purchase order, and also it can happen is, sir, that when the purchase requisition is being raised, we verify that there is whether there is need for that item or not. So someone has to verify whether that item is required or not. So there can be risk that that particular item is not required in the organization, but we are still raising the purchase requisition for it. This can be the risk. So there can be risk like what the for example, we have placed the order for 10 quantities and 12 or less than 10, like more or less quantities being delivered. So then the risk can be that why this has happened. Like we have ordered 10. For example, if a particular vendor is selling in batches
So they are selling in 15 batches. So then it is okay that 15 quantities being received because they are selling in batches. But if they are not selling in batches and still there is variance in the quantity being ordered and quantity being received, then this can be a risk in of P2P. Gaurav session mein hai kya? Yes, sir. Gaurav, are you there in the session? Theek hai, good. Yes, sir. देखिए आप लोग का प्रॉब्लम एक ही मैं देख रहा हूं सबसे बड़ा, आप लोग का इस ज्ञान बहुत है पर ज्ञान को दिखाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल जो चाहिए वो चीज में आप लोग का प्रॉब्लम आ रहा है। और क्यों आ रहा है पता है आप लोग का? क्योंकि आप लोग बचपन से ना जीडी वीडी कुछ किया नहीं है, प्रैक्टिस, डिबेट, मॉर्निंग प्रेयर, ये प्रेयर कुछ किया नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है जो कम्युनिकेट करने जाते हैं। तो नॉलेज आपके पास बहुत है पर नॉलेज अगर बाहर नहीं निकल के आ रहा है, और गलत नॉलेज तो बहुत ज्यादा ही है। और आप लोगों को लग रहा है आपका नॉलेज कम है, नॉलेज कम नहीं है, आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल का प्रॉब्लम हो रहा है। बोलने का टाइम में आपके शब्द खत्म हो जाता है, यू से ना यू डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर नॉलेज, दिस इज अ वेरी बैड थिंग टू हैपन। तो ये चीज आपको है, दिव्या का भी यही प्रॉब्लम मेरे को दिख रहा है। तो आंसर्स आर नॉट कमिंग इन अ वेरी फ्लुएंट मैनर, धीरे धीरे करके आ रहे, इतना टाइम नहीं देगा वो, फटाफट बोलना है कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, इम्प्रूव करिए प्लीज। इसलिए बोलता है प्रैक्टिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। आपको पूछा ट्रेड रिसीवेबल का ऑडिट में क्या क्या चीज करोगे, बताइए दिव्या, व्हाट आर द थिंग्स यू विल डू इन ट्रेड रिसीवेबल ऑडिट? So first we will do the confirmation. We will ask from our trade receivables. The confirmation can be sent by us or by the management, but we have to ensure that the confirmation is being received by us only to ensure that it is right. First one is a confirmation. Then we will check completeness. We will verify the from the register and the trial balance and financial statements. The that we will cross verify from these both. And नहीं था ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस नहीं हो रहा है आंसर्स का। नॉलेज आप लोग ले लेके खा पी के, मतलब होता ना खा लिए खा लिए खा लिए पर हजम नहीं कर रहे खाना को, तो देन वी विल सब कुछ किया है। और so then if roll back and roll forward क्या होता है inventory का? So मतलब sir, if we are standing on 10th April then we have to go back on 31st March. So we will roll back the inventory. We will reduce the inventory that does not belong to that is of April. So we'll reduce it. How will you reduce it? Then we will. How will you reduce it? How will you? How will you reduce it? Reduce कैसे करेंगे? So we remove any inventory that is received after the cutoff and we add back the inventory that is removed after. Please explain properly. What is rollback? So rollback is inventory status at the सर आ रहा है बट बोल नहीं पा रहे क्योंकि आप सेशन में नहीं आते हो। हाउ विल यू चेक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी? हाउ विल यू चेक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी? व्हाट इज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी? It is based on overall materiality. It is less than planning materiality or overall materiality. It is 50 to 75% of the overall materiality. Fair? Sir, what happens is we do not wait for the overall materiality to breach. If the performance materiality is breached, then we start the procedure of scrutiny and asking the management about the discrepancy. What is risk control matrix? So risk control matrix is first we identify what is the procedure being followed, and in any procedure being followed there is some or the other risk. So to just mitigate those risks, we identify what is the control that should have been
followed, and what is the level of the control, what is the frequency of the control, and then set the control that is being implemented. फिफ्टी फिफ्टी आपका हो रहा है, समझ रहे हैं ना, फिफ्टी फिफ्टी काम हो रहा है आपका, फिनिशिंग टच नहीं हो रहा आंसर में, फिफ्टी फिफ्टी काम नहीं चलेगा. चलिए अनवेश, हाँ जी अनवेश, आपको पूछेगा कारों का अमेंडमेंट बताइए क्या क्या है कारों का अमेंडमेंट. नहीं जब को दूसरा को पूछता है ना तो उसको क्या लगता है ये तो क्या पूछ लिया, जब खुद पे आता है ना आंसर नहीं बोल पाता है, ये तो आता है, ये तो आता है, सब लगता है मन को आता है, जब बोलने लगेगा ना सब भूल जाता है बाद में, तो ये तो हमको आता था उस टाइम बोल नहीं पाया, क्योंकि बोलने का टाइम है ना फट जाता है लोगों का, प्रैक्टिस चाहिए, समझ रहे ना, यही चीज है. चलिए अनवेश, कारो अमेंडमेंट्स, सो आई डिडंट वेंट थ्रू इट, आई जस्ट नीड टू गो थ्रू देम. कब जाओगे, ये तो जरूरी है, अभी बता देते हैं फटाफट, हम बोल रहे हैं इंटरनल ऑडिट CAGR, याद रखना है आपको इंटरनल ऑडिट CAGR, लिखिए पॉइंट्स फटाफट. इंटरनल ऑडिट कल इंटरव्यू है, आई डू नॉट गो थ्रू इट, हमको डेढ़ दिन लिया, आई डू नॉट गो थ्रू क्या बोले हम आपको बताए. इंटरनल ऑडिट CAGR, इंटरनल ऑडिट whether the see whether the business is commensurate, whether the whether there is an internal audit commensurate with the size and nature of business, whether the internal audit, ठीक है, internal audit, ठीक है. नंबर टू CAGR, CAGR का मतलब पता है ना, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, करे हो ना अनवेश, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो इंटरनल ऑडिट वन पॉइंट. नंबर टू सी से क्या होगा, और going concern, cash loss and CSR, whether the company is facing any cash loss during the year, ठीक है. अनवेश, yes sir, हाँ, cash loss, whether they have any cash loss during the year, ठीक है. नंबर थ्री CSR, CSR, corporate social responsibility, whether there is some amount pending against the CSR, ongoing project other than ongoing projects, if these are the ongoing project then it is deposited in some section, section 135 of the act, aise kuch hai na, schedule 7 of 135 of the act, other than ongoing project it is deposited within the act, so means these only points, okay, if there is pending amount, if the company has called, has not deposited the CSR amount, corporate social responsibility amount, then they need to deposit it within the schedule 7 of the act, CSR act, whatever it is, companies act, they need to report on CSR, ongoing project and other than ongoing project. One is cash loss, whether the company has business or cash loss. What is cash loss? Pucha tha abhi PwC, what is cash loss? Cash loss kya hota hai? If you have told cash loss kya hota hai? So cash loss is sir, jo net profit hai usme hum log we adjust the non cash items, it is basically cash flow from operation, uska jo net cash loss aata hai, so we will get net profit, usme aap add back karega depreciation amortization and usse karke aap nikal dega, theek hai, unrealized change, theek hai, ye ho gaya. Then A se kya hai aapka, A से क्या हो गया, A से क्या है CSR, if there is an adverse remark, Anvesh सुन रहे ना, adverse remark, if there is some adverse remark in the subsidiary company, then it needs to be reported in the holding company as well or the parent company, मतलब any qualified remark is there by the auditor in the subsidiary company, that needs to be reported in the holding companies. Means the holding company should know, na? If the child company, if the subsidiary company has some adverse remark, that needs to be reported in the parent company, which is holding company. Very easy. Going concern, right? CAGR. G say going concern. What you learn in going concern? Whether the company has some current liability and current assets, which something like that, na? They think that it's not. The auditor will check whether they will be able to deposit that within the time limit. If there is something, क्या point है going concern का, क्या है point? कौन बताएगा going concern को लेके कुछ है? 12 months की liability pay कर पाएगी company, नहीं कर पाएगी ये report? हाँ, तो 12 महीना, whether they will be able to pay the 12 months liability or not, जो भी current liability दिख रहा है
जो भी आपका करेंट लाइबिलिटी वगैरह है, वेदर दे विल बी एबल टू मीट इट और नॉट 12 महीना के अंदर में. अनवेस, यू गॉट माय पॉइंट ना? यस अनवेस. यस सर. नेट सी क्यों चल रहा है? उसके बाद जी हो गया, और उसके बाद आर से क्या है? आर से क्या बताइए, क्या बताएगा, कौन बताएगा? जिंदगी में रेजिग्नेशन. आपको एक आंसर पढ़ने में एक एक दो दो घंटा बर्बाद होता है, और तब भी याद नहीं होता आंसर. हम आपको 5 मिनट के अंदर करवा दिए, समझ रहे ना? गोइंग कंसर्न, रेजिग्नेशन ऑफ प्रीवियस ऑडिटर. आपका ऑडिटर अगर रिजाइन कर रहा है, तो वो जो न्यू ऑडिटर जो ज्वाइन करेगा, उसको पता होना चाहिए क्यों रिजाइन किया है प्रीवियस ऑडिटर ने. If you are the auditor of the company and the past auditor has resigned, you will ask the auditor why you have resigned. We need to know the reason for resignation. Kuch company mein aisa kuch tha to nahi jiske karan aapne resign kiya. So you just take the consent of the previous auditor. I think these points are easy. Please repeat all the points. Be quick, okay? Internal audit, CAGR. Patapat bataiye sara points. Abhi humne khatam kar lijiye. Aisa padhiye ki bhai 6 mahina dekhna nahi pade. Please be confident, okay? Pan card ka tarah number yaad karwa rahe hain. Badi patapat. Whether internal audit is to be conducted by the entity as per section 138 of Companies Act, we should check that, and whether there is any cash loss in the company, and whether there is any CSR liability which has not been paid as accordance with section 135 of Companies Act, and whether is there any adverse remark in subsidiary company. नहीं गलत. CSR का अगर deposit नहीं किया तो उसको deposit करना पड़ेगा within section 135. मतलब if there is any pending amount of CSR which is not deposited in case of ongoing project or other than the ongoing project, that needs to be deposited within some section of the Sarkari Act. सरकार बोल रहा है अगर तुम deposit नहीं किया तो तुम deposit कर दो ना पैसा को CSR का 6 महीने के अंदर में. यही तो है point. Ongoing project or other than ongoing project. If you are liable to pay CSR and you have not paid the CSR, please deposit the money to our account within that section. We will not charge ongoing project other than ongoing project. This is the point. Next. Jaldi. Yes, its next point is going concern, sir. Whether whether the company is able to pay their 6 months liability, means short term liability, whether the company is able to pay. We will check that, and whether there is a resignation of any previous audit. Again, गलत हो गया आपका. Current liability वगैरह कुछ है, वो 12 महीने के अंदर चुका पाएगा क्या next 12 months के against? यही तो है ना कि कोई current liability है. If there is some current liability, whether they will be able to repay within next 12 months. देख लीजिएगा कोई point, ठीक है? और क्या है? Resignation of previous audit. क्या है इसके अंदर में? So means the current auditor should know that whether the previous auditor has been whether he has been reasons. Removed and what is the reason? Remove kyun? Yeah, remove kaun ka? Auditor ko kaun remove kar sakta hai? Auditor ko kaun remove kar sakta hai? Whether he has been resigned from the company. हाँ, and what reasons for resignation of the company. Reason मांगेगा अगर कोई resign किया है तो reason क्या है? Whether company has yes we can say like that sir, whether company has followed section 140 means they have intimated. उतना ज्ञान मत दीजिए, तो कार्डों में लिखा वही दीजिए. तू खाली रीजन पूछेगा, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर का रीजन क्या है, खाली कम्युनिकेट करेगा रीजन. देख लीजिएगा कारो का एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है, मेरे को मोटा मोटी भी याद आ रहा है, यही होगा. देख लीजिए एक बार गाड़ी के करवा चेक कर लीजिए क्या है एग्जैक्ट वर्ड्स. Whether incoming auditor has considered the issues, objection, concern raised by outgoing auditor. हाँ, कोई भी issues, objections वगैरह जो भी था, whether they have considered or not of the outgoing auditor. एक बार सारा पॉइंट देखो, रिपीट करिए जो जो बोला. इंटरनल ऑडिट तो मेरे को पता है, कॉमेंसरेट साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस. और क्या था? कैश लॉस, बिजनेस का कोई कैश लॉस है, और सीएसआर का अमेंडमेंट. सीएसआर का में क्या एग्जैक्ट वर्ड्स है कारो में? ओके, कारो के एग्जैक्ट वर्ड्स है सर ये है, बट ये क्या लिखा है? अदर ongoing process, the company has transferred unspent amount to the fund that has been specified under schedule number 7 of the Companies Act within the period of 6 months from the expiry of financial year. Whether the expiry 6 months ke andar dena padega, theek hai? Okay, aur aur bas aur sir, lekin 6 months wala qualification or wo kali ongoing project mein hoga aapka, wo ongoing project mein hota hai kali. 6 month wala other than ongoing hota hai, aur ongoing mein 30 days ke andar karna hota hai. वो कैसा है क्या? तो ये याद रख लीजिएगा, ongoing में 30 days, other than ongoing में 6 months. उतना डीप जाएगा नहीं, पर आजकल चल जाता है. ऑनगोइंग में 30 डेज, अदर देन ऑनगोइंग 6 मंथ्स, ठीक है? ये भी अच्छा पॉइंट है, और लिख लेगा ये हम इसमें कारों में. डाउट है सर,
डाउट है पूछूंगा। बोलो बोलो। तो मतलब एडवर्स रिमार्क जो सब्सिडियरी कंपनी का है वो हाँ? मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट करना या स्टैंड अलोन या दोनों, मतलब पेरेंट कंसोलिडेटेड कंपनी में में तो ऐसे जाएगा तो वो, पेरेंट नहीं कंपनी। हाँ लगता, पेरेंट में स्टैंड अलोन में ना सर, स्टैंड अलोन में या देखो कंसोलिडेटेड पढ़ी ऐसे क्या मैं पूछ। लिखा है, कारों में लिखा क्या एग्जैक्ट सर वर्ड्स एक बार पढ़िए कंसोलिडेटेड तो। में जाएगा, सर कंसोलिडेटेड सीधे फिर समझ कोई नहीं, जाएगा। स्टैंड अलोन में नहीं जाएगा। ठीक है वो पढ़ लीजिएगा एक बार, कारों का मैं पर जो लिखा था ना हम एक बार के लिए, इसमें भी टाइप कर देता है CAGR वाला, एक मिनट ये वाला ऑप्शंस करके वर्कबुक। गोइंग कंसर्न CSR आ गया ये वाला पॉइंट यार, CSR। CSR कहाँ है, CSR कैश लॉस CSR। ठीक है इसमें क्या है, दो पॉइंट है, ऑन गोइंग का 30 डेज है, 30 डेज एंड अदर देन ऑन गोइंग 6 मंथ्स। सिक्स सर मंथ्स बुक में ऑफ एंड ऑनगोइंग ऑफ की लिमिट स्पेसिफाई नहीं कर रखी, ऑनगोइंग की हाँ लिमिट स्पेसिफाई नहीं कर रखी क्या हुआ, बुक जोर से आप लोग में। माइक रख के रखे, माइक माइक एक माइक ले लीजिए आप लोग सब जन। हाँ सर क्या द बुक बोल देयर रहे, इज नो लिमिट दैट हैज बीन स्पेसिफाइड विद रिस्पेक्ट टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, दे हैव रिटन वेदर एनी रिमेनिंग अमाउंट दैट हैज बीन पर्सुएंट टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इट हैज बीन ट्रांसलेटेड टू स्पेशल आप अकाउंट माइक ऑफ रखिए, सब्सिडियरी। इट इज गिवन इन सेक्शन वन समझ में थर्टी नहीं आप फाइव क्या बोल, मैं आप फोटो दीवार भेज से एक देती माइक हूँ। रखिए अपने पास, आवाज नहीं आता आपका एकदम भी। क्या बोल रहे हैं, सर आई वॉज सेइंग दैट देर इज नो सच लिमिट दैट हैज बीन स्पेसिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, सिक्स क्या लिमिट, 6 मंथ्स है ना आपका ऑफ द एंड ऑफ द फेयर, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मंथ्स में थर्टी अदर डेज देन है, ऑनगोइंग 30 डेज सिक्स स्पेसिफाई नहीं कर रहा। नहीं है क्या, सर इट स्पेसिफाई है इज क्या, स्पेसिफाइड इन ठीक सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट, कारों में वो नहीं दिया हुआ है लेकिन। है उतना अंदर लोग पूछेगा नहीं, आप लोग ऊपर ऊपर से बता देगा तो ले लेगा लोग। ठीक है CSR वगैरह थोड़ा थोड़ा बता दीजिएगा ले लेगा। ठीक है अनवेश पहले आगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कारो नहीं लगता था सर पहले, मतलब इतना भी नहीं 2015 पूछेगा, की आप लोग इतना अभी भी डिटेल नहीं में लगता, लगता, अभी भी नहीं लगता, अभी भी और नहीं एक बार लगता, अगर ये एडवर्स रिमार्क नहीं है तो अभी भी नहीं लगेगा। ओके क्लोज परफेक्ट 21 कोई लगेगा केवल। हाँ 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 जी अनवेश यस ठीक है आपका हो गया ना, यस। कैश लॉस एक बार फिर से ठीक है एक्सप्लेन कर सकते एक बार हो फिर से आ देता हूँ मैं। जाइए। ठीक है एक बार क्या आपका कैरो शेड्यूल 3 वगैरह कंप्लीट कराता, ठीक है कम टू द सेशन 1 अगेन, ओके कम टू द सेशन।